आज हम थर्ड क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के कैपिटल लेटर्स वन इस चैप्टर को देखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने इसे भी स्कूल पर क्रिएट किया है, कौन कौन से एलिमेंट्स का इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है, इनको एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली हमारा गवर्नमेंट कहता है कि स्टूडेंट्स को जब भी कोई टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई चीज सिखा रहे हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, चॉक और बोर्ड का, इसके अलावा जो अलग अलग अप्रोचेस है, जैसे कि प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, थीम बेस्ड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस और टीचिंग टेक्स है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बच्चों को टॉपिक समझने में आसानी हो। इसी के साथ साथ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंदर बताया गया है कि स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज का तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए, इसी के साथ साथ स्किल्स और वैल्यू का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिसके लिए हमने वी स्कूल में सेशन को बनाते वक्त डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को हमने इसके अंदर ऐड किया है। चैप्टर कैपिटल लेटर्स वन, इसमें स्टूडेंट्स को हम जो अल्फाबेट्स है इसका जो फॉर्म है कैपिटल लेटर्स, इसके बारे में बताने वाले हैं। बच्चों को इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कि कैपिटल लेटर्स दिखते कैसे है और कौन से स्मॉल लेटर का जो कैपिटल लेटर है किस तरह दिखाई देता है।